सुप्रभात, मेरा नाम शालू बाबा है। मैं होली हार्ट्स एजुकेशनल एकेडमी से हूँ। आज मैं कक्षा सातवीं बसंत पाठ एक हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसमें बताया गया है कि पक्षी अपनी स्वतंत्रता के बारे में बता रहे हैं कि उन्हें स्वतंत्र रहना कितना पसंद है। लेकिन इसमें आप एक पिक्चर देखेंगे कि इसमें आपको दिख रहा है कि ये पक्षी कितना खुश नजर आ रहा है, क्योंकि यह बहुत अपने पंख फैलाकर उड़ रहा है। लेकिन आप इसमें देखेंगे तो इसमें एक पक्षी है जो सोने पिंजरे में बंद है। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि दोनों अलग अलग पाते हैं। पिंजरे में बंद रहने वाला पक्षी क्या है, वो बहुत उदास है, और जो पंख फैलाकर उड़ने वाला पक्षी वो बहुत खुश है। तो इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि अगर आपको आपकी मम्मी कोई आपको पनिशमेंट देती है, अगर किसी कमरे में बंद कर देती है, तो वहाँ आपको सारी फैसिलिटी तो मिलती है, लेकिन क्या वहाँ आपको अपनी आज़ादी मिल पाएगी? नहीं, वहाँ आपको अपनी आज़ादी नहीं मिल पाएगी। इसी तरह पक्षी भी क्या है, स्वतंत्र रहना और उड़ना पसंद करते हैं, उन्हें अपनी गुलामी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम आगे अपनी कविता की पंक्तियों से देखेंगे। पहली पंक्ति में देखेंगे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बन ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यह बताना चाहते हैं कि पक्षियों ने अपनी स्वतंत्रता बहुत पसंद है। बोलते हैं, हम आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा या हमारी स्वतंत्रता को छीन लिया जाए या हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए, तो हम पिंजरे में बंद, चाहे हमारा पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, लेकिन वहां पर हम खुश नहीं रह पाएंगे और पुलकित पंख टूट जाएंगे। हमारे उत्साह से भरे, उल्लास से, हर्ष से भरे हुए पंख वहां से टूट जाएंगे, क्योंकि हम वहां अंदर में खुश तो है ही नहीं। पंक्तियां देखेंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निहोरी कनक कटोरी की मैदा से। इस पंक्तियों में भी पंछी की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। हम बहता हुआ शुद्ध जल पीना चाहते हैं, अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो अगर कटोरी और दाना अंदर दे दिया जाएगा तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं। अगर हमें सोने की कटोरी में भी खाना देते हैं तो वह हमें अच्छा नहीं लगेगा। कहीं भली है कटुक निबोरी, उससे भला क्या है? कटुक निबोरी मतलब, कटुक का मतलब होता है कड़वा और निबोरी का मतलब होता है नीम का फल। उससे भली है कटुक निबोरी, हम नीम का फल खाना ज्यादा पसंद करेंगे, ये सोने की कटोरी में खाना पसंद नहीं करेंगे। आगे पंक्तियों में देखेंगे, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। आप सबने पक्षियों को उड़ते हुए तो देखा होगा, पक्षी ऊंची ऊंची डालों में बैठते हैं। इसमें पक्षी कहते हैं, भले ही हमारे गले में सोने की जंजीरें डाल दी जाएं, वह हमारे लिए बंधन है, रुकावट है। उस रुकावट की वजह से हम अपनी गति या वेग गति को भूल गए हैं, हम उड़ना भूल गए हैं। सिर्फ हम बस सपनों में ही देख रहे हैं कि हम ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं और वो पेड़ की ऊंची शाखाओं में बैठ पा रहे हैं। असल जीवन में तो हमारा जीवन क्या है, हम पिंजरे में बंद हैं। पंक्तियां देखेंगे, ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। इसमें कहा गया है, कवि ने कहा है कि पक्षी अपने मन की इच्छा बता रहे हैं। पक्षी अपने मन में क्या सोचते हैं, यहाँ पक्षी कहते हैं कि हम नीले आकाश की सीमा, आकाश के दूसरे छोर तक उड़ना चाहते हैं, ऐसा हमारा अरमान है। वे कहते हैं, हम अपनी सूर्य की लाल किरणों जैसी लाल चोंच को खोलकर तारक रूपी अनार के दाने तारों को खाने की इच्छा रखते हैं। जैसे हमें तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं, उसी प्रकार पक्षियों को भी तारे क्या है, अनार के दाने जैसे दिखाई देते हैं। उनकी यह इच्छा है, लेकिन वह पिंजरे में बंद होने के कारण उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। पंक्तियां देखेंगे, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तंती सांसों की डोरी। इन पंक्तियों में कवि ने पक्षी के मन की इच्छा को प्रकट किया है। तो इसमें सीमाहीन का मतलब सीमाहीन, सीमा विहीन,
और क्षितिज का मतलब होता है जहाँ धरती और आकाश एक साथ मिलते हैं, वो उसे क्षितिज कहा जाता है। तो बताया गया है कि इसमें सीमा का मतलब है बॉर्डर, मतलब जो सीमा समाप्त हो जाती है। सीमा विहित में अपने पंखों से वो होड़ लगाकर उड़ना चाहते हैं। सीमा है क्षितिज तक, हमें पता नहीं है कि क्षितिज कहाँ है, लेकिन वह पक्षी वहां तक जाना चाहते हैं। लेकिन अगर वह वहां नहीं पहुंच पाते हैं, जिस बिंदु में वो जाना चाहते हैं उस बिंदु में वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी, या तो वह क्षितिज तक पहुंच जाए या तो फिर उनकी बीच में ही उनकी सांसें रुक जाए या उनकी मृत्यु हो जाए। पक्षी यही चाहते हैं। आगे पंक्तियां देखेंगे। नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन मत डालो। इस पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि पक्षी कह रहे हैं भले ही हमें टहनी पर घोंसला मत बनाने दो, हमारे जो घोंसले हैं उसे तोड़ डालो, लेकिन ईश्वर ने पंख दिए हैं तो हमें आकुल मतलब व्याकुल उड़ान में विघ्न मत डालो। कविता यहीं समाप्त होती है। अब आप सभी विद्यार्थियों और आपके माता पिता से मैं यही अनुरोध करती हूँ कि आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा, इस मुश्किल घड़ी में आप स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें और घर पर रहें।